हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हमारे बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है भारत इन जर्मनी। आई थिंक आप सभी लोग भारत इन जर्मनी को जानते ही होंगे, एंड वो हमारे चैनल पे है और हमसे कुछ चीज़ें हमें टिप्स बताएंगे, हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे अबाउट स्टडी इन जर्मनी। अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हो, बैचलर करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो या आगे जॉब पाना चाहते हो, तो इनके पास बहुत सारा जो है मटेरियल है जो ये शेयर कर सकते हैं हमसे। तो हम देखते हैं आज आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम भारत को स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। भारत, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस कोलैबोरेशन के लिए, बिकॉज मैं आपके वीडियोज, जब मैं जर्मनी आने वाली थी, मैं बहुत सारे वीडियोज आपके देखती थी और मैं सोचती थी कि यार मैं भी कभी ऐसा कुछ कर सकती हूँ या नहीं। बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हो। प्लस मैं ये भी चीज मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ जो वो स्टडी इन जर्मनी का एंगल है, आई थिंक वो आपने ही लाया है यहाँ पर। तो अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बनाने लगे हैं, अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपने टाइप की नॉलेज देने लगे हैं, पर जो वो प्रॉपर गाइडेंस है वो आप ही ने स्टार्ट किया था। तो वेलकम टू आवर चैनल। Oh man, you guys are so kind. Thank you so much for having me on this channel. तो मेरे लिए तो ऐसा होता है कि मतलब ठीक है, if I see somebody doing also some nice stuff, तो I think साथ में बहुत सारी बढ़िया चीजें कर सकते हैं, बजाय कि मतलब सारे के सारे आपस में मतलब compete करने लग जाएं। मुझे उस चीज का ज्यादा sense नहीं दिखता, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मैं देखता हूँ कौन कौन videos बना रहा है। और मुझे जो how to find jobs in Germany वाले जो video थी तुम्हारे channel पे, वो मतलब बहुत बढ़िया लगी। तो मुझे लगा कि मतलब this really fits, क्योंकि मतलब this is adding value to the people, लोगों को बढ़िया information मिल रही है। और मतलब फिर जो है तुम्हें एक बार मतलब बुला के लेट्स हैव एन इंटरव्यू ऑन आवर चैनल एंड ऑन योर चैनल। तो भाई लोग मतलब जो भी नए देख रहे होगे यहाँ पे, तो हमने सुरभि और दीपक के साथ ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे भी बना दिया है, जिसमें हम इनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि मतलब किस हिसाब से उन्हें डायरेक्टली मतलब इंडिया से जर्मनी में जॉब मिल गई थी। तो ऑल्सो चेक दैट आउट। मेरा नाम भारत है। तो मैं 2016 में मास्टर्स के लिए आया था जर्मनी में, और तब मैंने एक साल मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी, क्योंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। और एक साल के बाद मैंने सेम यूनिवर्सिटी में TU हैमबर्ग में मैंने अपनी मास्टर्स चेंज कर दी। तो मतलब मैं स्ट्रक्चर से जो है फिर मैं मार्केटिंग में चला गया, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग थी। और उसके बाद मैंने 2019 तक अपनी मास्टर्स करी। तो मतलब 2 साल में जो है मेरी मास्टर्स खत्म होगी, और जर्मन टॉट प्रोग्राम था। तो मेरी मोटिवेशन सारा का सारा यूट्यूब चैनल बनाने का ये था कि ज्यादातर लोग जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आते हैं, तो मैं जर्मन टॉट में आ रहा हूँ, तो मतलब चीजें थोड़ी डिफरेंट है और मतलब अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैं एक तरीके से मतलब थोड़ा अपना जो कुछ भी मतलब मुझे नॉलेज मिल रही है, मैं उसको शेयर करके देखता हूँ। तो वही रिस्पॉन्स मतलब काफी अच्छा आ गया, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे मतलब US वगैरह के चैनल होते थे, पर जर्मनी का मतलब एज सच कुछ था नहीं। तो मैं सोचा मैं ठीक है कोई नहीं, स्टार्ट करता, क्या दिक्कत है। तो 2019 में मेरी मास्टर्स खत्म हुई। 2019 में मास्टर्स खत्म होने के बाद हमने यहाँ पे डेनमार्क में घर खरीदा था एरो डायरीज के नाम से, तो हम जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो हमने घर काफ़ी सस्ता खरीदा था, पर घर की हालत बहुत खस्ता थी, मतलब बहुत बुरी हालत थी। और फिर जो है मतलब बहुत सारे पैसे लगाने पड़े और जो है बहुत सारे हैंडीमैन वगैरह लाने पड़े, इसको ठीक ठाक किया घर को 2020 में। और 2021 में जो है फिर मतलब मैं अपनी मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी के लिए मैंने रोमानिया शिफ्ट हो गया, और मतलब वहाँ पे फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड है, पर जनरली मतलब भारत इन जर्मनी चैनल पे मैं स्टडिंग और वर्किंग के रिलेटेड मतलब वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू भारत अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले तो आप लिंक चेक कर लो भारत के यूट्यूब चैनल की, और उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। पर मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, लाइक आपका नाम भारत है, मतलब स्टार्ट करने से पहले, एंड चैनल का नाम भारत इन जर्मनी है, मतलब ये कितना बड़ा वाला कोइंसिडेंस है कि भारत इन जर्मनी ऐसा लगता है ये बनाया हुआ नाम है। तो मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता वो प्रेस्टीजियस? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि आपका नाम भारत नहीं है, शायद आपने ये चैनल का नाम बनाया, जैसे मैंने इंडियन गर्ल इन यूरोप बनाया है ऐसे आपने, बट आपका आई थिंक कोइंसिडेंट वाला था। तो हाँ, ये तो मतलब ये डाउट मेरे भी दिमाग में था, मैंने कहा क्या सही नाम सूट हो रहा है एकदम, भारत इन जर्मनी, मतलब पूरा इंडियन कल्चर उसमें मतलब फील हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। घर वालों ने बढ़िया काम कर दिया था। घर वालों ने अच्छा काम कर दिया, बाकी कसर रही भाई ने पूरी कर दी। हम लोग ये जानना चाहते हैं, हम लोगों को बहुत कमेंट्स आते हैं रिलेटेड टू कि 12th के बाद हम लोग कैसे एजुकेशन कर सकते हैं जर्मनी में, क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है या कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं,
इवन मास्टर्स के लिए, तो आप अपना एक्सपीरियंसेस या आप मतलब क्या ऑडियंस को सजेस्ट करोगे, इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट? ओके, तो अभी जर्मनी में मतलब ऑफ कोर्स आप लोग बैचलर्स के लिए आ सकते हो या मास्टर्स के लिए आ सकते हो, और सबसे बढ़िया चीज़ जर्मनी में पढ़ने की क्या है कि दोनों की दोनों जो डिग्रीज हैं वो जनरली ट्यूशन फी फ्री होती है, तो आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं पे करना पड़ता। जैसे मतलब यूएस वगैरह में आप जाओगे तो एक साल की ट्यूशन फी होती है अराउंड 15,000 से लेके $20,000 की, जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और उसके बाद आपको अपने लिविंग कॉस्ट भी पे करने हैं, तो मतलब $1,000 के करीब जो है पर मंथ की वहाँ की कॉस्ट बैठ जाती है। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है, मतलब जर्मनी अगर आप यूरोप में कंपेयर करोगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज, और मैं जो है लिविंग कॉस्ट वगैरह कंपेयर करता रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों के साथ वीडियोज़ बनाई थी, मतलब आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हुए, तो हमेशा ये दिखा है कि मतलब जर्मनी में जो हमारी कॉस्ट है वो मतलब सबसे कम है, तो स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है ये। तो बैचलर्स के लिए अगर आप आना चाहते हो तो मतलब एक तरीके से तीन तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका होगा कि आप डायरेक्टली स्टूडेंट को लेके आ गए, तो स्टूडेंट को लेके एक एक्स्ट्रा वन ईयर मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ती है जर्मनी में, एक तरीके से फाइनल एग्जाम, फाइनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि इंडिया में स्कूलिंग सिस्टम होता है सिर्फ 12 साल का, जर्मनी में स्कूलिंग सिस्टम होता है 13 साल का, तो इस एक्स्ट्रा एक साल के गैप को कवर करने के लिए स्टूडेंट को लेकर करना पड़ता है। तो पहला तो ये ऑप्शन हो गया। इसके अंदर मेन रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके जो है 12th के स्कोर्स क्या हैं, 50% एक तरीके से मतलब वहाँ का स्कोर इवेल्यूएट होता है और 50% स्कोर लगता है जो आप फाइनल एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जर्मनी में, तो उन दोनों को कंपेयर करके एक फाइनल स्कोर बनाते हो और उसके बेसिस पे आप मतलब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। अब स्टूडेंट को लेकर में अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है कम से कम मतलब B1 B2 लेवल चाहिए होता है, ताकि मतलब सारा का सारा प्रोसेस काफ़ी आसानी से हो जाए। दूसरा तरीका होता है आप IIT JEE एडवांस्ड के बाद जो है डायरेक्टली अपना जर्मनी में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी मतलब जनरली बेटर रहता है कि आप जर्मन टॉट मतलब प्रोग्राम को चूज करो, क्योंकि इंग्लिश टॉट में जनरली कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और मतलब बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं बैचलर्स में इंग्लिश टॉट में, तो इसलिए जो है अपना जर्मन सीखना स्टार्ट कर दो साइड में, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। अब होता है फिर तीसरा तरीका होता है कि आपने 12वीं करी, उसके साथ आपने एक साल बैचलर्स इंडिया में किया डायरेक्टली, और उस एक साल के बैचलर्स के बाद आप अपनी बैचलर्स फिर जर्मनी में स्टार्ट कर सकते हो, पर वही है बैचलर्स फिर से पूरी ड्यूरेशन की होगी वो है 3 साल की, क्योंकि जर्मनी में बैचलर्स होती हैं 3 साल की, इंडिया में होती हैं 4 साल की, तो जो एक्स्ट्रा जो फर्स्ट ईयर आपने जो कवर किया इंडिया में वो आपके 13th ईयर जो जर्मन स्कूलिंग सिस्टम का होता है उसको एक तरीके से इक्वेट करता है। तो ये एक तरीके से जो है 3 ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आप मतलब बैचलर स्टार्ट कर सकते हो जर्मनी में। और मास्टर्स की चीज़ें खैर काफ़ी सिंपल है, मास्टर्स में जो है जनरली वो देखते हैं कि बैचलर्स में स्कोर क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये दो इनकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करो कि मतलब RWT, HTU, Munich वगैरह, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसा आपका प्रोफेसर्स का, और जो है आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह, वो सब कुछ, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हैं। पर जर्मनी में जनरली मतलब मास्टर्स के लिए 2 चीज़ें देखते हैं, वो है आपका बैचलर्स का स्कोर और जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। IELTS अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो तो IELTS ये होता है जनरली 6.5 बैंड से लेके 7 बैंड के करीब, मतलब 6.5 मोस्टली सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से मतलब कुछ बेसिक मतलब डिटेल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार पता नहीं अब जर्मनी में पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कम से कम अगर आप मतलब बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो अगर आपका बहुत कम स्कोर है, लगा लो 45%, 50%, मतलब बैचलर्स में और कुछ नहीं किया, बस गेम खेले और जो है आखिरी टाइम पे एग्जाम वगैरह की तैयारी करी, अगर वैसे भी मतलब जो है पढ़ाई की है तो आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम है, तो उसमें मतलब 45-50% के साथ आप डायरेक्टली इंडिया में जर्मन सीखो और अपना जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। अगर आपको इंग्लिश टॉट में आना है तो 65% के करीब मतलब एक अच्छा स्कोर है जिसके साथ आप डायरेक्टली अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो जर्मनी में। तो ये जो है थोड़े बहुत मतलब बेसिक डिटेल्स। भारत, आपने एक चीज़ बोली मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी बुरी यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या यहाँ पर कि कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है? मतलब रैंकिंग जैसा सिस्टम, जैसे आप इंडिया में हम जब बात करते हैं बच्चे स्कूल के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वो रैंकिंग सबसे पहला दिमाग में आता है कि ये रैंक्स क्या क्या है यूनिवर्सिटीज के, वो सिस्टम यहाँ पर भी होता है क्या या नहीं? इसमें जर्मनी में बहुत सारे लोग जो है US वाला रैंकिंग सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो होता है QS रैंकिंग्स। तो QS रैंकिंग्स जनरली जर्मन यूनिवर्सिटीज फॉलो करती ही नहीं है। अगर आप DART.DE की वेबसाइट भी देखोगे जो जर्मन अकेडमिक एक्सचेंज
सर्विस है उसकी वेबसाइट पे, तो वो सिर्फ सीएचई रैंकिंग मेंशन करेंगे. सीएचई रैंकिंग जर्मन्स की, जर्मन एजुकेशन सिस्टम की खुद की रैंकिंग सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सिटीज को तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज होगी, मीडियम टियर होगी और जो है बॉटम होगी. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी एज अ टोटल, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ टॉप टियर में है. अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके यूनिवर्सिटी के, उनको रैंक किया जाता है और जो है पूरी यूनिवर्सिटी को साथ में रैंक नहीं किया जाता. तो मतलब एज सच बताना बहुत मुश्किल है कि मतलब ये जो है यूनिवर्सिटीज बुरी हैं और ये वाली यूनिवर्सिटीज हर एक चीज में अच्छी, क्योंकि वो हमेशा एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ जो है चेक करते हैं कि ठीक है ये टॉप टियर में है या मीडियम में, ऐसे करके. तो जनरली मतलब मैं बोलूंगा अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हो तो रैंकिंग का इतना सोचना मत, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ज्यादातर फर्क पड़ता है कि आप जब मास्टर्स आपने स्टार्ट करी या बैचलर स्टार्ट करी तो आप उस टाइम में क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैं तो बस मास्टर्स ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, पर उससे जो है फिर एंड में जाकर जॉब नहीं मिलती बढ़िया से. अगर आप मास्टर्स कर रहे हो बैचलर्स कर रहे हो तो कोई इंटर्नशिप ढूंढो, कोई बढ़िया सी पार्ट टाइम जॉब ढूंढो साथ में, और जो है वो इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब जनरली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काफी आसानी से कन्वर्ट हो जाती है. तो इस चीज का बस थोड़ा ध्यान रखना. बाकी मतलब यूनिवर्सिटीज का इतना कुछ नहीं है कि मतलब बुरी होगी या अच्छी होगी, जनरली मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया रहती हैं. एक और चीज मैं जानना चाहती थी, हमारे यहाँ एक टर्म होता है प्लेसमेंट, जो बोलते हैं ना आईआईटी में आपका हमेशा अच्छा ही प्लेसमेंट होगा, पैकेज अच्छा लगेगा और नॉर्मल से कोई इंस्टीट्यूट से अच्छा नहीं होगा. तो ऐसा कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और वो सब का भी फंडा यहाँ पर होता है क्या बैचलर और मास्टर्स करने के बाद का? तो मैंने अपनी पढ़ाई टीयू हैमबर्ग से करी थी, मास्टर्स करी थी मैंने वहां से इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में, जर्मन टॉप प्रोग्राम था. तो वहां पे मैंने देखा था कि एंड में जाके हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा करियर सेंटर होता है. तो करियर सेंटर में वो जनरली आपको हेल्प करते हैं कि जो है मोटिवेशन लेटर्स कैसे लिखने हैं या कवर लेटर्स कैसे लिखने हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसके लिए, कंपनीज के लिए, और जो है सीवी वगैरह कैसे बनाना है. पर प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब एज सच इन जनरल होता ही नहीं है जर्मनी में, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को मतलब इस सब से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता. ये उन कंट्रीज में ज्यादा मतलब मैटर करता है जहां पे जॉब्स मिलना काफी मुश्किल होता है. जर्मनी में जॉब्स मिलना मुश्किल नहीं है, बस मतलब अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपको कुछ मतलब बढ़िया तरीके से नॉलेज है, आपको मिल जाएंगी जॉब्स. तो इसलिए मतलब कम से कम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्लेसमेंट्स वगैरह या टाई अप्स वगैरह नहीं होते. प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स वगैरह हो गए, उनकी अलग बात है, उनके जनरली होते हैं मतलब किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप्स. पर इन द एंड मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई मतलब जरूरत है नहीं, प्लेसमेंट मतलब सबकी हो जाती है, जॉब्स मिल जाती है बच्चों को. ओके ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस उसी पे होता है. यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले उनका फोकस होता है जॉब्स पे, कितनी कंपनीज आती हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, कौन कैसा प्लेसमेंट देता है उस पर. अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, भारत यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एज यू हैव डन मास्टर्स, आपने यहीं से मास्टर्स की है, तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से कितना डिफरेंट है, या कह सकते हैं हम कि ऑलमोस्ट सेम है, या कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस क्या लगते हैं आपको? काफ़ी डिफरेंट है मतलब इंडिया से. मैंने मूर्थल से जो है मैंने अपनी बैचलर्स करी थी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. तो वहाँ पे जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी वो, वहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता था वो मतलब डायरेक्टली वही पेपर वर्क वाला, जो है किताब उठाई, क्वेश्चंस दिए और जो है मतलब उसको सॉल्व किया, और जो है अपना असाइनमेंट्स वगैरह बनाए. असाइनमेंट्स में भी मतलब एक दूसरे की कॉपी मार रहे होते हैं, वो सारे के सारे काम चलते हैं. पर जो एक चीज़ मेरे को काफ़ी मतलब खली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो ये था कि मतलब हमें प्रेजेंटेशंस की तैयारी नहीं करवाते वो लोग. हमें बोलते हैं कि ठीक है मतलब कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह की जरूरत नहीं है, वो जॉब में तुम खुद सीख जाओगे. बल्कि मतलब ये मेरे को बहुत गलत अप्रोच लगती है. जर्मनी में इवैल्यूएशन होता है बहुत अलग तरीके से. जर्मनी में जब आप मास्टर्स वगैरह बैचलर्स कुछ भी कर रहे होते हैं तो तीन तरीके के मेन इवैल्यूएशन होते हैं. पहला होता है रिटन एग्जाम्स, जो मतलब सेम मतलब थोड़े इंडिया टाइप के होते हैं. पर उसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपको मैक्सिमम जो है 90 मिनट मिलते हैं या 60 मिनट मिलते हैं आपको सारा का सारा एग्जाम करने के लिए. और अगर आप शीट्स भरने लग जाओगे तो आपको मार्क्स जीरो मिलेंगे. तो आपको जो है बहुत प्रिसाइज आंसर्स लिखने पड़ते हैं जिस चीज़ का आप मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो. तो वो हो गया रिटन एग्जाम्स. दूसरा होता है आपका प्रेजेंटेशंस या फिर असाइनमेंट्स. तो प्रेजेंटेशंस जो है एक तरीके से आपको उस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और एंड में जो है आपको उसकी प्रेजेंटेशन बना के एक तरीके से सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आपको समझ आया इससे. असाइनमेंट्स में मतलब काफी सिमिलर सा सिस्टम है. तीसरा होता है ओरल एग्जाम्स या फिर ग्रुप वर्क. ग्रुप वर्क में चार पांच मतलब जो है बच्चों का ग्रुप बनता है, उनको जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है और एंड में जो है जनरली या तो ओरल एग्जाम होता है या फिर प्रेजेंटेशन होती है
पर ये थोड़ा इंडिविजुअल वर्क से काफी अलग होता है क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से ये टीम वर्क को थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये तीन मतलब मेन इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के तरीके हैं जर्मन एजुकेशन सिस्टम में, जो मुझे मतलब इंडिया से बहुत अलग लगे और बहुत मतलब बढ़िया भी लगे। अच्छा मैं ओके, मतलब ये बहुत अच्छे से यू हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। मुझे ये और जानना चाहता हूँ मैं, जो एक क्वेश्चन हमें जनरली बहुत आता है ये कि जो जॉब सर्च प्रोसेस क्या होती है अगर जो लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने मास्टर्स कर लिया है उसके बाद वो डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच करना होता है उनको, या फिर जैसे कि आपने बताया कि जॉब फेयर्स होते हैं वहाँ पर जाना होता है अपने प्रोफाइल और सारी चीज़ें लेकर, मतलब क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है यहाँ पर, या फिर फॉर एग्जांपल उनको इंटर्नशिप चूज़ करते टाइम पूरा ध्यान देना चाहिए कि किस पर्टिकुलर कंपनी में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं उधर ही इंटर्नशिप सर्च करें, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक पाथ होता है इसके बारे में? ओके, तो जर्मनी में जब आपकी मास्टर्स या बैचलर्स खत्म हो जाए तो आपको हमेशा 18 महीने मिलते हैं। उन 18 महीने में आपको एक तरीके से कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होती है और उसमें आपको अपनी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब आप अपनी मास्टर्स खत्म कर रहे होते हो, जनरली जो ज़्यादातर प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि जो है अपना दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में आप कोशिश करो कोई ना कोई इंटर्नशिप लेने की, क्योंकि जनरली जब आप इंटर्नशिप करते हो किसी कंपनी में तो इंटर्नशिप को दे सी इट एज अ लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। तो मतलब आपको जो है एक तरीके से इंटरव्यू चल रहा है 6 महीने तक, ताकि वो आपको डिसाइड कर पाए कि मतलब ठीक है इज ई गुड फॉर द कंपनी और नॉट। तो इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब्स तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से मतलब जर्मन कंपनीज काफ़ी सारे मतलब एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, तो जनरली ये मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है जहाँ से जॉब्स मिल सकती हैं। अदरवाइज मतलब लिंक्डइन हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, और जो है monster.de खैर ज़्यादा नहीं चलता, जिंग हो गया, तो ये मतलब कुछ वेबसाइट्स हो गए जहाँ पे मतलब जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, और मतलब चाहे आपकी जो है एक तरीके से मास्टर्स ख़त्म हो जाए तो भी ढूंढ सकते हो, पर मैं हमेशा ये बोलूंगा कि एक तरीके से कोशिश करो थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेने का इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब के थ्रू, और फिर जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर वहाँ पे नहीं किया कुछ तो वही है मतलब जॉब पोर्टल्स वगैरह देखे, और बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, जर्मन में बोलते हैं इनिशिएटिव बेवर्बुंग, तो ये जो है मतलब बहुत एक तरीके से फेवरेट तरीका है जर्मन कंपनीज का, कि चाहे अगर कोई वैकेंसी ऑनलाइन अवेलेबल ना भी हो उस कंपनी की, फिर भी आप एक एप्लीकेशन भेजो बताते हुए कि आपके ये इंटरेस्ट हैं, आप इस फील्ड में काम करते हुए अपने आप को देख सकते हो, और जो है ये आपकी मोटिवेशन है इस कंपनी के साथ काम करने की, तो ये कंपनीज इन एप्लीकेशन को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं मतलब किस हिसाब से जॉब ढूंढ सकते हैं मतलब मास्टर्स के बाद। आई थिंक स्टडी इन जर्मनी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, भारत के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जर्मनी से रिलेटेड। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको जर्मनी आना है पढ़ाई के लिए और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में भी मैं अभी भारत से पूछूंगी, एक मुझे डाउट है। और अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और आप चाहते हो कि नहीं जर्मनी इज़ द बेस्ट लोकेशन आपके लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भी रेलेवेंट कोर्सेज आपके लिए हैं, आप एज ए गाइड ले सकते हो एंड आपको उसके लिए एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप वो चेक करो। तो भारत, मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, बहुत सारी लोग जो हैं कंसल्टेंसीज हैं जो कि बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजती हैं, है ना। कुछ एग्जांपल मैंने भी सुने हैं, मुझे मेल्स आए हैं बहुत बहुत पैसा लेके और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजती है, तो क्या आपके कोर्सेज में भी आप यही चीज़ें बताते हो, या फिर आपका जो कोर्सेज है वो डिफरेंट है देन जो इंडियन कंसल्टेंसी लोगों को लाइक स्टूडेंट्स को भेजते हैं यहाँ पर? ओके, यस, तो ये भी सवाल बहुत बार आता है, तो इसमें मतलब मेन डिफरेंस क्या है कि ज़्यादातर जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया में बैठे होते हैं उन्होंने खुद से कभी पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने जर्मनी की शक्ल तक नहीं देखी, पर भाई मतलब तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में उठा के भेज देंगे, उसका मुझे मतलब सेंस बिल्कुल समझ नहीं आता। मैंने खुद से मतलब एक जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और जर्मन टॉट प्रोग्राम में पढ़ाई की है, इंग्लिश टॉट में भी नहीं, तो मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग रहे हैं और काफ़ी इंट्रिकेट रहे हैं, तो मतलब जो मुझे जो है छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से पता है कि मतलब क्या कुछ सिस्टम चलता है। तो कोर्स में मतलब हम वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, और मतलब मेरा ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें मतलब मैं अपफ्रंट फी चार्ज करता हूँ कि ठीक है मतलब यू पे अस फॉर द वर्क दैट वी आर डूइंग, पर ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कोई हिडन बायसेज हैं कि बैक इन द बैक ऑफ माय माइंड मेरा ये दिमाग में है कि नहीं जो है अब इस बच्चे को पकड़ के मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज देता हूँ और वहाँ से मेरे को 2000 यूरो का कमीशन और मिल जाएगा, तो ये हम बिल्कुल नहीं करते। तो मतलब जो भी जो है सारा का सारा फोकस रहता है वो रहता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि
हम कोई मतलब जो है जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट वैल्यू एक तरीके से उनको प्रोवाइड हो सके वो करें। तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक तरीके से स्टूडेंट्स कोर्स लेसन्स होते हैं, बाई वीकली मैं लाइव क्यू एन ए सेशन लेता हूँ बच्चों के साथ, अलीना और मैं बैठ के कभी कभी जो है इंटरकल्चरल ट्रेनिंग देते हैं उसमें कोर्स के अंदर, तो ये सारी की सारी मतलब चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं कोर्स में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं एक्चुअली लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये इस तरह का गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है और वो भी जेन्युइन ऐसे ऐसे बंदे से जिसने यहाँ पर रह के चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका उस गाइडेंस को अवेल करें ताकि आपको पता हो कि करना क्या है एक्चुअली। क्योंकि आप देखिए कई लोगों के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ठीक है दे देते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको सही डायरेक्शन में जाना और सही इन्फॉर्मेशन मिलना। आज के टाइम पर बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर अवेलेबल है, पर आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिले और कंटेंट इन्फॉर्मेशन मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आपको, डू चेक इट आउट। इवन कुछ पेरेंट्स भी मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों को भेजना है तो क्या क्या फॉलो करें। तो आई थिंक भारत आप क्या उनको भी कंसल्टेंसी देते हो, जैसे अगर आई एम अ पेरेंट और मुझे अपने बच्चे के लिए कोई कंसल्टेंसी मतलब सिर्फ ये जानना है कि यार इसको क्या कराया जाए आगे चल के, तो आप इस तरीके की भी कोई सर्विसेज देते हैं? मतलब मैं अपॉइंटमेंट्स मतलब रखता हूँ कि मतलब ठीक है हमेशा शाम को 7-5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में मेरे पास मतलब जनरली स्लॉट्स होते हैं कि ठीक है अगर जो है कुछ छोटे मोटे सवाल हो तो मतलब यू कैन बुक अ 30 मिनट और 60 मिनट सेशन एंड आई मीन वी कैन सिट डाउन एंड लाइक यू नो टॉक अबाउट दीज थिंग्स, पर फॉर दैट लाइक यू कैन ऑल्सो लाइक यू नो फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, दैट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं बस वही बोलूंगी लास्ट में कि आप देख लो आपके रिलेवेंट कोर्सेज और कुछ टिप्स लास्ट में शेयर करना चाहते हैं भारत आप? तो सुभी मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी सबसे बड़ी एक तरीके से एडवाइस और टिप ये रहेगी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ठीक है मतलब अब जर्मनी जाएं, कनाडा जाएं, यूएस जाएं, या मतलब कौन सी कंट्री चूज़ करें, तो मुझे मतलब यूरोप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लगते हैं कि मतलब अगर आपका मन करे कि ठीक है मुझे जर्मनी में नहीं रहना, मेरे को जो है फिर उसके बाद डेनमार्क में रहना है, उसके बाद जो है रोमानिया में रहना है, कहीं और रहना है, तो आप बहुत ईजिली मतलब एक जगह से उठ के अलग अलग कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकते हो। और उसकी बढ़िया चीज़ क्या है कि आप अगर डेनमार्क में गए तो डेनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी, और जो है रोमानिया में गए तो रोमानियन लैंग्वेज, अपना स्पेन में गए तो स्पेनिश लैंग्वेज, तो इन अलग अलग कल्चर्स और जो लैंग्वेजेस का जो एक्सपोजर मिलता है वो यूएस कनाडा वगैरह मतलब इन देशों में नहीं मिलता, तो ये मतलब काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्लस मतलब जर्मनी में आने के लिए कोई फालतू के इतने भारी स्टूडेंट लोन नहीं लेने की जो है अपना 5-6 साल तक मतलब स्टूडेंट लोन ही चुका रहे हैं, उसका भी मतलब मेरे को सेंस नहीं दिखता। तो अगर जब आपको तैयारी वगैरह करनी स्टार्ट करनी है तो मतलब जल्दी से जल्दी एक तरीके से थोड़ा अपना माइंड बनाना स्टार्ट करो इसके बारे में, थोड़ा रिसर्च वगैरह करो ऑनलाइन, और जब भी मतलब कुछ सवाल वगैरह होंगे तो मतलब अब सुरभि और दीपक इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरे चैनल पर भी कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे तो मतलब आप ये सारी वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो पर मतलब थोड़ा रिसर्च अपने आप को मतलब जो है थोड़ा अप टू डेट रखो इन सबसे, और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच, आपको इस वीडियो से बहुत सारे टिप्स मिले होंगे, आपको पता चला होगा कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो जर्मनी में, प्लस कुछ हम लोगों ने ऐसी भी बातें मतलब भारत ने कुछ ऐसी भी बातें बताई जो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए कि यहाँ पर स्टडीज़ कितनी डिफरेंट होती हैं या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और ऑफ कोर्स आप जो कोर्सेज लिंक है वो चेक कर सकते हो और आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट अगर आपको जो पर्सनल गाइडेंस चाहिए। बाकी तो फिर हम लोग जो है वीडियो बनाते ही रहेंगे और भारत भी वीडियो अपने चैनल पे बनाते ही रहते हैं, उनकी जो चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और बाकी क्या हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर दिस कोलैबोरेशन, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। थैंक यू सो मच भारत कि आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात की, थैंक यू वेरी मच भारत। It was very nice to talk to you guys too. I mean, मैं देख रहा था पूरे टाइम वीडियोस की ठीक है यार मतलब ये जो है नया चैनल स्टार्ट हुआ है मतलब let's keep an eye out on it. तो मतलब it was very nice to talk to you guys too. Thank you very much. Thank you. Perfect. Bye bye.